अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ताज किचन 786 में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको रसम की रेसिपी बताऊंगी जो साउथ में बहुत ही फेमस है। आप ही राइस के साथ बना के खाइएगा, बहुत ही ईजी तरीके से बता रही हूँ। तो आप ही देखें, हमने इमली का पानी लिया हुआ है, मैंने लगभग एक मुट्ठी इमली ली हुई थी, उसका मैंने पानी डाल के रस निकाला हुआ है, जूस निकाल लिया इसका मैंने। तो ये जूस, ये अपने एक बाउल में जूस निकाला मैंने, हाफ कप जूस है, एक गिलास पानी डाला मैंने, और इसमें पानी हम और भी डालेंगे, जितना हमको चाहिए क्वांटिटी में उतना पानी डाल लें। फिर हम एक कूटने वाला लेंगे, उसमें हम डालेंगे, अब क्या क्या डालती हूँ मैं आपको। चलिए गाइस, ये अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी टेस्टी है, सबका फेवरेट है साउथ में। तो हमने काली मिर्च एक स्पून लिया हुआ है, एक स्पून भर के हम ले लें जीरा, तीन लहसुन की कलियां ले लें जो कि हमें छीलना नहीं है, इनके छिलके भी हमें बेनिफिट करेगा, शरीर के अंदर बहुत ही अच्छा लाभदायक होता है, तो इससे हमारा खांसी जुकाम भी निकलता है, बहुत अच्छा ये डिश है। तो देखिए, हमें लहसुन की कलियां ले लें, काली मिर्च और जीरा ले लिए, अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक हरी मिर्च डाल लें, थोड़ा सा हरा धनिया धो के डाल लें, इन सबको डाल के कूट लें अच्छे से, मोटा एक मिश्रण बना लें, इसका गाढ़ा पेस्ट बना लें। ठीक है, हमने इसे दरदरा कूट लिया है अच्छे से, अभी ये मिश्रण जाएगा हमारे इमली के पानी के अंदर। बर्तन ये बाउल ले लें, उसमें डाल लें इमली का पानी, और अभी इसमें जो हमने दरदरा कूट के रखा था वो मिश्रण डाल दें। टोमेटो को भी हमें दरदरा कूटना है, और इसके अंदर मिक्स करके डाल दें। देखिए गाइस, अब इसमें डालें हम हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर डालना है, एक टी स्पून भर के साल डालना है हमें, थोड़ा सा वो ले लें, इसे भी अच्छे से कर लें मिक्स। डालेंगे हल्का सा हींग पाउडर, इसमें थोड़े करी लीव्स, करी पत्ते लिए हमने, इसे भी कर लें अच्छे से। हरा धनिया लिया हमने, ऊपर से भी डाला, थोड़ा कूट के डाला हुआ है, तो हरा धनिया डाल दें, थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डालेंगे, हल्का सा मस्टर्ड सीड डाल लें। देखिए गाइस, इसे ऐसे ही देखने में मुँह में पानी आ रहा है, सबको इमली बहुत पसंद है लेडीज़ को खास करके, तो इसको ज़रूर बना के देखिए, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो अभी हमारे मस्टर्ड सीड गर्म हो चुके हैं, तो अभी हम इसमें ये रसम का पानी डाल दें, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ हमने इसमें डालना है, और इसको हल्का सा ऑयल डाल के हमने फ्राई पैन में डाल दिया है। अभी हम इसमें बॉईल आने तक इसको गैस पे रखें। तो देखिए गाइस, रसम में बॉईल आ चुका है, तो हम बस बॉईल आते ही रसम का गैस कर देंगे स्विच ऑफ, ये तैयार हमारा गर्मा गर्म रसम, जो कि साउथ की डिश है, बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह, आप ज़रूर बना के देखिए, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।